उसको नहीं मिल पाया. लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्लोज टू ओनली बॉलीवुड. आई वुड लव टू डू हॉलीवुड इन द फ्यूचर. लेकिन मुझे बॉलीवुड में इंडिया में थोड़ा नाम कमाना है एज एन इंडियन गर्ल फ्रॉम लंदन. उसके लिए क्या प्रिपरेशन किया आपने, हिंदी वगैरह प्रिपरेशन किया, किस तरह की प्रिपरेशन की खास कर इंडिया आने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए तैयारी? हां तो मैं एक्चुअली मैं बचपन से मूवीज देखती आई हूं एंड उसमें से मैंने हिंदी सीखा. लेकिन मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था तो बॉम्बे आके मैंने हिंदी सीखा एंड एक्टिंग का कोर्स लिया. ये सब किया मैंने यहाँ पे तैयारी. तो किस एक्ट्रेस को आप ज़्यादा पसंद करती हो बॉलीवुड की बात करें तो? बॉलीवुड में बचपन से मुझे काजोल और रानी मुखर्जी बहुत पसंद है और आज के टाइम में प्रियंका चोपड़ा. तो आई लुक अप टू थ्री ऑफ देम क्योंकि आई फील के एक्टिंग में दे वेरी वर्सेटाइल, बहुत वर्सेटाइल है. और एंड स्क्रीन पे आई डोंट नो एस्पेशली काजोल रानी तो देयर आईज एक्ट ना, उनके आँखों में से एक्टिंग होता है. एंड प्रियंका चोपड़ा इज वेरी आई थिंक द मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस वी हैव इन इंडिया टुडे. ये फिल्म कैसे मिली आपको, किस तरह से, क्या कैसे आप इस फिल्म को तक पहुँचे आप कैसे? हाँ तो एक्चुअली आई थिंक इट वाज जस्ट डेस्टिनी. लाइक किस्सा लंदन में थे एंड ही वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मूवी लंदन में. सो समबडी हैड इंट्रोड्यूस्ड अस, बीच में कोई इंटरमीडिएट था तो ही हैड इंट्रोड्यूस्ड अस. तो सर लाइक्ड माई फेस एंड ही सेड ओके तो ऑडिशन कर लो. तो फिर आई गेव एन ऑडिशन एंड ही लाइक्ड इट. फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया स्क्रीन टेस्ट के लिए. मेरा पूरा स्क्रीन टेस्ट लिया, मेरा लुक देखा कैमरा पे तो उनको अच्छा लगा एंड आई एम द क्लब डांसर. डायलॉग कुछ डब किए हुए हैं आपके या आपने खुद किया, आपने कैसे टेस्ट किया? मैंने भी डबिंग की है मेरी खुद की, लेकिन वो रखेंगे या नहीं मूवी में वो मुझे नहीं पता. तो अभी देखेंगे, मूवी देखेंगे तब की मेरी आवाज़ है या किसी और की आवाज़ है. कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आपका ये फिल्म? सबसे मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आज तक बेस्ट एक्सपीरियंस था. मैंने इतना हार्ड वर्क मेरे लाइफ में कभी नहीं किया है. इतना जस्ट लाइक सीइंग के हम मूवी देखते हैं, जब मैं छोटी थी मैं मूवी देखती हूँ स्क्रीन पे दो लोग होते हैं अपने आप अपने अपना काम करते हैं, लेकिन वो दिमाग में नहीं आता है कि ये दोनों के बीच 100 लोग हैं जो ये दोनों को बनाते हैं. तो ये मैंने बहुत अच्छा सीखा यहाँ के कि मेरे भी मेकअप हेयर कॉस्ट्यूम सब कोरियोग्राफर्स डायरेक्टर सब मेरे पीछे है, DOP. तो दे मेक मी लुक द वे आई लुक. तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अप्रिशिएट करना चाहिए. आज के दौर में खासकर एक्टर्स की बात करें तो टाइमिंग काफ़ी मायने रखता है. टाइम के मामले में आप किस तरह से, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ 2.5 घंटे से वेट कर रहे हैं. एक्चुअली मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं वहाँ की हूँ, मैं लंदन की हूँ. लंदन में टाइमिंग की बहुत कदर है और यहाँ पे एक्चुअली मैं देखती हूँ, ये मेरी पहली बार हुआ है, मैं लेट थी. एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था क्योंकि मुझे कहीं और जाने का था तो वो ऐसा हुआ था, मेरा एक और इंटरव्यू था. लेकिन मैं बहुत पंक्चुअल हूँ और यहाँ पे मैं आई हूँ तो मैं देखती हूँ कि सब बोलते हैं फ़ोन पे मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, घंटे से नहीं आते हैं. वो ऐसा ही होता है यहाँ पे, लेकिन मैं मुझे वो आदत नहीं है. लेकिन आज तो सब में यही तो हुआ, हम लोग 2 बजे से. लेकिन मैंने नहीं बोला था कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ ना, मैंने वो कभी नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ. अच्छा फिल्म की बात करें, फिल्म में गाने किस तरह के गाने हैं? गाने बहुत अच्छे हैं हमारे पास. रोमांटिक गाना है, आइटम गाना है जो जूडी शकोनी और वरिंदर पे वरिंदर राजवीर पे कोरियोग्राफ्ड है. फिर मेरे 2 सोलो गाने हैं, एक दोनों क्लब डांसेस है, एक क्लब प्रॉपर क्लब डांस है, एक इमोशनल डांस है सिचुएशन पे, एक शादी का गाना है. तो वी हैव अ बिग वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स एंड मेरे हिसाब से हमारे म्यूज़िक बहुत अच्छा है और आई थिंक हमारा म्यूज़िक मूवी को होल्ड कर रहा है. फिल्म रिलीज होने वाली है फ्राइडे, हाँ. तो नर्वसनेस हो, एक्साइटमेंट है, क्या क्या चल रहा है? दोनों. आई थिंक अ बिट ऑफ एक्साइटमेंट है, फिर नर्वसनेस भी बहुत है क्योंकि पता नहीं एक दिन में क्या होगा, फ्राइडे को पेपर में क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट पे क्या पढ़ेंगे. तो इट्स अ लॉट ऑफ नर्वसनेस, लेकिन पहली स्टेप है तो अभी देखेंगे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. फिल्म में हमने देखा कि एजाज खान है और दूसरे एक्टर पे, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या सीखने को मिला उनसे? मुझे बहुत सीखने को मिला. एक्चुअली सामने वाले एक्टर बहुत अच्छे होते हैं तो अपने आप वो एक्टिंग निकलती है. तो मैंने राजवीर, एजाज खान, शक्ति कपूर, ज़रीना वहाब, मेरे ज़्यादातर सीन्स उनके साथ है. तो स्पेशली शक्ति कपूर, ज़रीना वहाब ऐसे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करना मेरी पहली फिल्म है, मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि
पहले मुझे लग रहा था कि मैं कैसे उनके सामने जाऊंगी, कैसे फेस करूंगी, लेकिन इतने अच्छे हैं वो, नेचर के भी इतने हेल्प भी करते हैं और खुद इतने अच्छे एक्टर्स हैं, तो मेरा एक्टिंग भी निकल गया उसमें. मैं मुझे सच में लगा कि ये मेरे माँ बाप है, ऐसे उन्होंने एक्टिंग किया है. और एजाज खान ने भी बहुत सच में लगा कि वो विलन है, तो इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड एक्सपीरियंस. जी, इसके अलावा आपने बहुत सारी एक्ट्रेस का नाम लिया, प्रियंका चोपड़ा और कई सारी एक्ट्रेस का नाम लिया, तो ऐसा कोई ड्रीम रोल है जो आप निभाना चाहते हो, या फिर कोई ड्रीम डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, ऐसा कुछ? अगर ड्रीम डायरेक्टर्स तो बहुत है, लेकिन हाँ, एक बार मुझे लाइफ में मुझे सूरज बहजाता के साथ काम करना है. मुझे उनकी फिल्में बहुत अलग लगती है. जब हम आपके हैं कौन से, अभी प्रेम रतन धर बाबा से उन्होंने किया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ मूवी सो फैमिली ओरिएंटेड टू सक्सीड इन टुडेज़ टाइम. तो प्रेम रतन धर बाबा में वो किया उन्होंने, फिर वो करण जौहर भी है, आदित्य चोपड़ा, इम्तियाज अली. आई लव इम्तियाज अली के मूवीज़ में बहुत डेप्थ होता है. तो दीज आर ऑल ड्रीम डायरेक्टर्स आई वुड लव टू वर्क विद. एनी ड्रीम एक्टर यू वांट टू वर्क विद? एनी ड्रीम एक्टर, वो भी बहुत है. एक खान के साथ एक मूवी मिलनी चाहिए, दैट वुड बी वेरी नाइस. वरुण धवन आई रियली लाइक. आज के दिन में आई लाइक वरुण धवन वेरी मच बिकॉज ही इज वेरी वर्सेटाइल, और उनके एक्टिंग, उनके डांस में बहुत, ही इज वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंट है. अभी तो लेट्स सी, थिंग्स आर इन द पाइपलाइन, लेकिन लेट्स सी व्हेन दे मटेरियलाइज. ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. यू आर वाचिंग मल्टीप्लेक्स. डन? या, इफ विजुअल के लिए इधर से लेना ना क्या? हाँ बट यार ये बात है ना, कैसे हेलो काम है चुके माइक में क्या हुआ? वो फोन आ गया. Thank you.